हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरा और एक नए ब्लॉग पे। एक्चुअली अचानक मेरा प्लान बना नमसाई जाने का। नमसाई इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक काम के कारण मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो काम क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा मैं किस काम से जा रहा हूँ, वो है मेरे भैया ने एक टिकट लिया था, लॉटरी टिकट, उस पर उसे इनाम मिला है। इनाम एक्चुअली 5 लाख का था, 2 लाख का, 1 लाख का, 50 लाख का, लेकिन इसमें से एक भी नहीं है, लेकिन भैया ने जीता है कॉन्सोलेशन प्राइस 10,000 का। तो इसी कारण हम केस कलेक्ट करने जा रहे हैं। हम बहुत खुशी हैं, हम पार्टी करेंगे वहाँ जाके। तो देखिए भैया की जुबानी से दो बात कहेंगे। भैया जी कैसा लग रहा है आपको वो टिकट विन करके? सबको प्रणाम करता हूँ मैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने ये सोचा कि शायद किस्मत में सभी को ऐसे ही मिलता होगा। उनमें से किस्मत है उसमें कॉन्सोलेशन प्राइस मिला है 10,000 का। और उम्मीद करता है इसी तरह अगर आप लोग भी कुछ अपना हिम्मत डालेगा तो झोली भरेगा। नमसाई की ओर हम जाएंगे यहाँ से। तो बना रहे हैं मेरा ब्लॉग पे, क्या क्या हम करेंगे आपको मैं दिखाऊंगा, और शुरू से लेकर अंत तक मेरा वीडियो में बना रहे। थैंक यू, चले चलते हैं। काफी देर राइड करने के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लिया है और हम आ पहुंचे हैं डिगारू के वन पे। और देखिए कितना खूबसूरत नजारा आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पीछे आपका जंगल और जो हाईवे है स्ट्रेट हाईवे। हम थोड़े से यहाँ में थोड़ा चिल कर रहे हैं, तो आगे और भी हम जाएंगे। तो मेरे वीडियो में बना रहे और आगे दिखाऊंगा क्या क्या होने वाला है। तो अभी मैं आप पहुंचा हूं नमसाई, जस्ट नाउ हम पहुंच गया। तो हम ओनर को फोन करेंगे और हम यहां इंतजार कर रहे हैं नमसाई का 3 नाली पे। और आप देख सकते हो जो यहां में उस दिन भयंकर विनाश जो आग लगा था, यही एरिया है, पूरा दुकान एरिया को ख़त्म कर दिया। बहुत दुख का बात है ये। और यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं उस ऑनर को। एक्चुअली हम इंतजार कर रहे थे नमसाई पे, जो नमसाई पे नहीं है उनका घर। उनका घर है आदि निगरू, नमसाई से थोड़ा अंदर, लगभग 3 किलोमीटर हमने क्रॉस किया। लेकिन यहाँ का रोड कंडीशन बहुत खराब है, आपको दिखाता हूँ। देखिए हम बहुत ही मेहनत और कष्ट करने के बाद हम आदि निगरू पे पहुंचे हैं। ये रहा यहाँ का नज़ारा आदि निगरू का, और ये है घर जहाँ ये लॉटरी का जो ओनर का जो मालिक का घर है। तो यहीं हम मनी को कलेक्ट करने आए हैं। घर पे आप पहुंचे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं ओनर का। इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं और भैया यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये घर का नज़ारा आप देख सकते हो, काफी खूबसूरत घर अंडर कंस्ट्रक्शन पे है। ये रहा बाप्टिस्ट चर्च आदि निगरू का। हम आ पहुंचे हैं यहाँ। एक्चुअली ओनर जो यहाँ हमें बुलाया फिर से, तो हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ का आपको नजारा दिखाता हूँ, देखिए। और यहाँ शायद अभी कॉन्फ्रेंस कुछ प्रोग्राम होने वाला है, तो यहाँ लोग बम्बू का पेंडल बना रहे हैं। कुछ दिन के बाद यह प्रोग्राम होगा ऐसा कह रहे हैं। तो ये है आदि निगरू का चर्च। गाइस तो अब हम ओनर के यहाँ आए हैं, हम आ पहुँचे हैं। एक्चुअली हम लोग आज केस को नहीं, हम लोग यह 2-3 दिन के बाद एक प्रोग्राम के साथ इसको ओनर के साथ दिया जाएंगे। तो फिर से उसका ब्लॉग भी आपको मैं दिखाऊंगा, मैं आऊँगा। तो ये रहा ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, ये है आपका अबोतानी ऑर्गेनाइजेशन क्लैन का प्रेसिडेंट। तो हमारे सर भी यही हैं, तो हम यहाँ वीडियो को रखते हैं। तो हेलो गाइस, तो ये है डिगारू का ब्रिज। और अभी शाम हो चुका है, सूरज ढल चुका है, और हम भी नमसाई से आ पहुँचे हैं। अभी घर की ओर जा रहे हैं, तेजू की ओर। हमारा काम तो नहीं बना और कंप्लीट नहीं हुआ, जिस काम के लिए गया था वो नहीं हो पाया, लेकिन इसका वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा जब हम कल या परसों फिर से जाएंगे। वहाँ में जितने लोग प्राइस विन किए हैं उसे सबको बुला के साथ में देने का उन्होंने वादा किया,
तो हम वहाँ जाएंगे फिर से, वीडियो को आपको मैं दिखाऊंगा। आप मेरे वीडियो में रहा, फिर भी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो थैंक यू मेरे वीडियो में रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।